नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। खेलों में राजनीति बहुत देखने में आती है, आपने सुनी होगी, लेकिन इसकी हकीकत बयां करने की हिम्मत की है और उस हिम्मत करने वाली क्रिकेट खिलाड़ी का नाम है मिनोती देसाई। स्वागत है मिनोती जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। मिनोती जी के बारे में बता देना चाहता हूँ कि भारत को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं और जानी मानी क्रिकेटर रही हैं और फर्राटेदार क्रिकेटर रही हैं। इनके झन्नाटेदार शॉट हर कोई रोक नहीं पाता था और अब इन्होंने इस विषय पर लिखने की कोशिश की और लिखने की कोशिश की तो शी द क्रिकेटर हिंदी और इंग्लिश दोनों में यह बुक यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। पीछे बैकड्रॉप में आप इसको देख सकते हैं। लेकिन झन्नाटेदार और क्रिकेटर और वैसी ही झन्नाटेदार उनकी लेखनी है, इसका एहसास मुझे इस बुक को पढ़ने के बाद हुआ और मैंने मिनोती जी से संपर्क किया कि आप आइए, हम इस बुक का एक रिव्यू करते हैं। और जब मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट की तो उस बुक को ख़त्म करके ही माना, यानी कि तब तक मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तो जितनी सफलता इन्होंने क्रिकेट में अर्जित की है, उम्मीद है कि वैसी ही सफलता इन्हें लिखने में भी मिले। मिनोती जी, इस बुक को लिखने के पीछे सोच क्या थी आपकी? मेरी सोच यही थी कि मैं जो आज की जनरेशन है उनको प्रेरणा दे सकूँ। कुछ परिस्थितियाँ होती हैं जिसके चलते मुझे छोड़ना पड़ा, तो मैं चाहती हूँ कि उनको ये पता पड़े कि सिर्फ खेलने से या नहीं खेलने से कुछ नहीं होता। आप अगर खिलाड़ी रह चुके हैं ज़िंदगी में तो आपको जो सिचुएशन से जूझने की क्षमता होती है वो खेल से ही आती है और वो आपको ज़िंदगी भर काम आती है। तो ऐसा नहीं है कि, हालांकि मुझे इस बात का बहुत बेहद अफसोस है कि मैं देश को वो नहीं दे पाई जिसका, जो मैं सोचती थी कि मैं दे पाऊंगी या जितना मेरे में टैलेंट था, पर मैं चाहती हूँ कि एक स्टोरी का पूरा सार ये है कि सोनिया की ज़िंदगी में बहुत कठिनाइयाँ आई पर उसने उसका बहुत बहादुरी से और बहुत जुझारूपन से सामना किया और कहानी के अंत में आप पाएंगे कि वो बहुत खुश है। तो हम ज़िंदगी में क्या चाहते हैं? हम खुश ही रहना चाहते हैं। सक्सेस मिलना नहीं मिलना काफ़ी कुछ आपके आसपास के लोगों पे और सक्सेस पे डिपेंड करता है, पर हाँ, यही कहानी का सार है। आपने कहा कि आपको अफसोस इस बात का है कि आप वो नहीं कर पाई, वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाई जो आप चाहती थी। जी, लेकिन आपने इस किताब को लिखकर जस्टिफाई किया है कि आप क्यों नहीं कर पाई। आपको अफसोस इस बात का अब नहीं होना चाहिए जी, क्योंकि जब जब भी मैंने इस किताब में पढ़ा है, जब जब भी आपको अवसर मिले जी, आपने अपने आप को एक तरह से, जिस तरह से आप अपने आप की काबिलियत को पेश करने में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन वहाँ भी आपके साथ राजनीति हुई जी। तो इस तरह की जो राजनीतिक गतिविधियाँ खेल में होती रहीं और ये सब हुआ, तो इससे कितना तोड़ा आपको? देखिए, मैं एक बार साफ कर दूँगी कि मैं सोनिया नहीं हूँ, ये कहानी मेरी नहीं है। मेरे से काफ़ी बार पूछा गया है, हालाँकि इस बात पर कोई दो राय नहीं है कि मुझे ऐसा कोई कारण नहीं नज़र आता कि क्यों मुझे इंडियन टीम से बाहर फेंक दिया गया था। ये एक मेरी व्यक्तिगत समस्या है और इस कैरेक्टर का, सोनिया का, इससे कोई लेना देना है नहीं। ये पूरी तरह काल्पनिक कहानी है, तो मुझे इस बात के लिए कोट नहीं किया जाए। पर हाँ, बहुत सी घटनाएं मेरे ज़िंदगी में हुई हैं जो सोनिया की ज़िंदगी में भी हुई है, और बहुत स्वाभाविक है कि जो आपके आसपास का एटमॉस्फेयर होता है, जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप महसूस करते हैं या जो आपके दिमाग में होता है, तो जब मैं लिखने बैठी तो हो सकता है कुछ जगह पर आपको उसमें झलक मिले। पर हाँ, ये ज़रूर है कि सोनिया की जर्नी भी उतनी ही मुश्किल और चैलेंजिंग है जितनी मेरी। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि मैं सफल नहीं हो पाई, तो अगर आप परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो मैंने बार बार कहा है कि मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ी परफॉर्मेंस में। और ये ऐसा यूजुअली होता है कि जो खिलाड़ी बाहर होता है वो कहता है कि मुझे बाहर कर दिया, मेरे साथ अन्याय हुआ। ये बात सही नहीं है, पर मैं ये बात खुलेआम, मतलब ठोक बजाकर बोल सकती हूँ कि मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। आप रिकॉर्ड्स उठा के देख लीजिए, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे मेरे कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो आज तक नहीं टूटे हैं। पर आप मेरा दुर्भाग्य समझ लीजिए कि उस समय जो होना था वो हो गया और उसने, उस बात ने मुझे इतना मायूस कर दिया, इतना डिसअपॉइंट कर दिया कि क्या खेलना ही काफ़ी नहीं है। मैं हमेशा उन लोगों में से रही हूँ जो सोचते हैं कि आप एकलव्य की तरह अपना काम करते रहिए। मैंने
उस चीज़ का फीलिंग यहाँ पे बुक में भी जाहिर किया है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि आप अपना कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत रखिए। पर ये मैं ज़रूर कहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में अभी भी बहुत कुछ बाकी है जो मैं अपने स्टेट की लड़कियों के लिए, अपने देश के खिलाड़ियों के लिए ज़रूर से देना चाहूँगी, क्योंकि मेरा जो क्रिकेट का नॉलेज है, आप ये मत सोचिए कि मैं अपनी बड़ाई कर रही हूँ, पर मैं किताबी कीड़े की तरह थी जहाँ तक किताबों की बात है। मैंने इतना कूट कूट कर क्रिकेट को पी लिया है, आप सोचिए, इतना है कि मुझे सपने आज तक क्रिकेट के आते हैं। तो मुझे लगता है कि इतना टैलेंट क्यों नहीं हम यूज़ करें, क्यों नहीं इसका मैं उपयोग करूं, और मुझे खुशी है कि मैं वापस क्रिकेट में आ पाई। सही बात है, जिनको सपने क्रिकेट के आते हों, निश्चित तौर पर उनमें कूट कूट कर अपर और प्रबल संभावनाएँ बनी हुई हैं। क्रिकेट में वापस लौटाई विनोदी बतौर एक सिलेक्टर, इस समय मध्य प्रदेश की टीम की सिलेक्टर के तौर पर, सीनियर टीम की, और सीनियर टीम की सिलेक्टर है, और क्रिकेट को कुछ लोग जीते हैं और उन्हीं में से एक है विनोदी देसाई, जिन्होंने क्रिकेट को जिया है और आज भी जीने की कोशिश कर रही हैं। आपने कहा कि सोनिया की कहानी कहीं मिलती जुलती है, लेकिन सब कुछ वैसी नहीं है जी, लेकिन जितना कुछ भी मिलता जुलता है, क्या लगता है खेलों में राजनीति, खेलों में जो गंदगी है, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? उसके लिए ये किया जाना चाहिए कि सबसे पहले तो खिलाड़ी को खुद अपने लिए खड़ा होना चाहिए, उन बातों को छुपाए नहीं, चाहे वो किसी प्रकार का आपको अलग से किसी ने कुछ कहा है, चाहे वो यौन शोषण हो, चाहे वो किसी के द्वारा की गई पॉलिटिक्स हो। हालांकि इसमें डर लगता है, क्योंकि आप ये सोचते हैं कि मेरी जगह स्टेक पे है, मुझे सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, पर कम से कम एमपी का तो मैं इतना गारंटी के साथ कह सकती हूँ, बाकी खेलों की तो मैं जवाबदारी लेना या उनके बारे में बोलना ठीक नहीं, कि यहाँ पे जो वातावरण मैंने देखा है बहुत साफ़ सुथरा है, हम उनके लिए हमेशा खड़े हुए हैं, और हर लड़की जानती है कि हम उनके साथ हैं, मतलब उनके मन में ये झिझक नहीं है कि मैं बोलूँगी तो ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। और जो मेरे सिलेक्टर्स ने मेरे साथ नहीं किया, जो न्याय करना चाहिए था, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे चलते या मेरे रहते हुए किसी लड़की के साथ परफॉर्मेंस देने के बाद अन्याय हो जाए। मैं तो एक स्टेप जाके आगे जाके ये भी बोलूँगी, परफॉर्मेंस ही क्यों, कुछ लड़कियाँ होती हैं जो बहुत प्रतिभाशाली होती हैं, कुछ समय वो परफॉर्म नहीं कर पाती हैं, तो ऐसे में उनको बाहर फेंक देना भी ठीक नहीं है, उनको मौके मिलते रहने चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं कि ऋषभ पंत, उनको जब कंटिन्यूसली कोच ने और कैप्टन ने सपोर्ट किया, तो अब आप वो निखर के आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत से खिलाड़ी होते हैं जिनको आप कंटिन्यूसली अगर सपोर्ट दें, तो वो देश की टीम को, स्टेट की टीम को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। आपने दो बातें कही, आपने कहा कि वो चाहे परेशानी यौन शोषण से रिलेटेड हो, या फिर आपको खुलकर सामने आना चाहिए जो कुछ आपके साथ गलत हो रहा है जी। आपको नहीं लगता कि आपने खुलकर जितना बोला उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा, और उसके डर से लड़कियां आगे नहीं आएंगी? मुझे ऐसा नहीं लगता। के जया के बारे में भी आपने लिखा है जी, और उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है जी, तो क्या इतनी गंदगी महिला क्रिकेट में भी रही है? देखिए, मैंने जो सुना था उन दिनों और जो मैंने महसूस किया था, तो डेफिनेटली मैंने देखी हैं ऐसी रिलेशनशिप्स, तो उसमें उस बात को कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है। हाँ, मैंने आंखों से नहीं देखा, तो मैं किसी का नाम लेके ना तो बोलना चाहती हूँ ना कुछ कहना चाहती हूँ, पर हाँ, ऐसे रिश्ते मौजूद है, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसमें कोई बुराई है, क्योंकि ये तो अब इंडिया में, मतलब सर्वसम्मति से ये तो बहुत लीगल रिलेशनशिप है, ऐसी रिलेशनशिप्स। पर मेरा मानना यह है कि अगर मेरे पर्सनल इंक्लिनेशन के कारण मैं किसी खिलाड़ी के साथ अन्याय करूं, तो वो गलत चीज़ है। सही बात है। यहाँ जो किताब में पढ़ रहा था, उसमें कई सारी बातें ऐसी लिखी हुई थी, और कुछ खिलाड़ियों को महज इस संबंधों के वजह से, इस रिश्ते की वजह से टीम में रखा गया, ऐसा इस किताब में सोनिया ने अपनी कहानी में लिखा है। क्या लगता है, क्रिकेट ही नहीं, देश के तमाम सारे खेल हैं, विश्व के तमाम सारे खेल हैं जिनमें राजनीति अक्सर होती आई, और भारत को लेकर तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जब टीमों का चयन होता है, तो निश्चित तौर पर कुछ हिस्सा तो उसमें राजनीति का होता है, दखल अंदाजी की वजह से होता है, जिनके अच्छी पहुँच होती है उनका होता है, इसको लेकर क्या कहती है? देखिए, वो हर जगह पर मौजूद हैं। जैसा आपने देखा कि
जब अभी मामला उठा था ड्रग्स का उठा था या किसी और चीज़ का उठा था, तो हर जगह थोड़ा बहुत नेचुरल है कि आप अपने क्लोज लोगों की तरफ इंक्लाइन हो जाए। पर मेरा मानना यह है कि अगर आप 19-20 में से 19 को चुनते हैं तो एक बात है, पर कम से कम 10 और 20 का मुकाबला है तो 10 को मौका मत दीजिए और 20 को पीछे मत छोड़िए। मतलब ये कहना बहुत हाइपोथेटिकल होगा कि हमेशा जो 20 है वो चुना जाएगा। मतलब प्रैक्टिकली आज जो मैंने एज ए पर्सन इवॉल्व किया है, मुझे लगता है ऐसा हो नहीं सकता, कहीं भी नहीं हो सकता, इंडिया में नहीं, कहीं भी नहीं हो सकता। तो थोड़ा बहुत इंक्लिनेशन होता है, पर उसको आप 19-20 तक ही रखें। आप अगर उसको 10 और 20 का फ़र्क कर देंगे तो ना केवल खेल को नुकसान होगा, क्योंकि जो खिलाड़ी 20 था और वो ज़्यादा अच्छा खेलता, उसकी जगह आपने एक खिलाड़ी जिसकी कैपेसिटी 10 है उसको ले लिया, तो ये तो खेल का, देश का, सभी का नुकसान है। जी जी, और सिर्फ खेल में नहीं, किसी भी क्षेत्र में। जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से आपने इस किताब में अपने बचपन के बारे में लिखा है, आपने बहुत सारी यादें, चाहे वो इंदौर के शहर के अलग अलग हिस्सों की रही हो। जी, क्रिकेट खेलने को लेकर आपने कहा कि लंबे अरसे तक पहले आप सोनिया को जो है वो टीम जो खिलाड़ी खेल रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, उनके साथ बॉल उठाने की का मौका मिला। जी जी। उसके बाद आपने, जबकि आपसे पूछा गया, तो आपने कहा कि मुझे क्रिकेट खिलाड़ी बनना है। जी। तब वहाँ उनकी रिएक्शन जो थी वो अच्छी नहीं थी, लेकिन आपने कहा कि मैं, वो दमदारी से बात कही कि मैं आपसे भी अच्छा शॉट मार सकती हूँ। जी। तो ऐसे तमाम सारे किस्से जो थे। जी। तो वो ये बताते हैं कि आप शुरू से ही झन्नाटेदार शॉट मारने की शौकीन थी, चाहे वो बातों से हो, चाहे क्रिकेट से हो, या अपनी काबिलियत से हो। जी। तो इन सब चीज़ों की वजह से आप क्रिकेट में इस मुकाम पर हैं। देखिए, मैं आज जो भी हूँ क्रिकेट के कारण हूँ। जी। पहली बात तो मैं बार बार कह रही हूँ कि कहानी काल्पनिक है, तो घटनाएं मिलती जुलती हो सकती है, पर घटनाएं वैसी नहीं है जैसी इसमें लिखी गई है। नाम काल्पनिक है, घटनाएं काल्पनिक है। हाँ, जो मेरा अपने दादाजी के लिए सम्मान है, जो क्रिकेट के लिए प्यार है, जो क्रिकेट के लिए जुनून है, और जो ओसीडी हुआ था मुझे, ये घटनाएं बिल्कुल रियल हैं, इसमें कोई मतलब राय नहीं है। पर मैं जो भी हूँ क्रिकेट के कारण हूँ। आज अगर आप मेरे साथ बैठे हैं तो इसलिए बैठे हैं कि एक क्रिकेटर ने किताब लिखी है। आज अगर इंदौर में या कहीं और मुझे लोग जानते हैं तो क्रिकेट के कारण जानते हैं, मेरी नौकरी क्रिकेट के कारण है। हाँ, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि जब आप रिकॉर्ड्स में देखते हैं तो आपको ये दिखता है कि मिनोती देसाई जिसने एक टेस्ट मैच खेला, मुझे ऐसा लगता है मतलब बहुत टैलेंट, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं टैलेंटेड थी, कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहुत सी मेहनत और बहुत सा टैलेंट वेस्ट हो गया, बहुत वेस्ट हो गया। और उसी को मैं, उसी जुनून के साथ, उसी, देखिए टैलेंट कभी वेस्ट नहीं होता। उस समय भले मुझे लगा हो कि सफलता के मापदंड से मैं फेल हो गई, पर वो क्रिकेट का नॉलेज तो आप मेरे से नहीं ले सकते ना। सही बात। वो तो मेरे अंदर कूट कूट के भरा है, तो उसी का उपयोग मैं आज की पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए पूरी तरह से करना चाहती हूँ। क्रिकेट को ख़त्म नहीं किया जा सकता, राजनीति उस अवसर को ख़त्म कर सकती है, लेकिन जिसमें क्रिकेट की काबिलियत कूट कूट कर भरी हो उसको कभी कोई कम नहीं कर सकता। मिनोती जी, इस पुस्तक में तमाम सारी बातें कही गई हैं, आपने वो ओसीडी का जिक्र छेड़ दिया तो मैं उस बात पर भी आना चाहता हूँ। जी जरूर। ओसीडी सिर्फ मैं इस शो के लिहाज से, क्रिकेट के इस बुक के रिव्यू के हिसाब से नहीं कर रहा उस विषय पर बात। ओसीडी पर बात मैं इसलिए भी करना चाहता हूँ कि कई सारे लोग मानसिक अवसाद की स्थिति में ओसीडी से पीड़ित हैं, और उससे बाहर आना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। मिनोती जी ने उन सब बाधाओं को पार करके बाहर आई हैं, तो आप ज़रूर बताइए इस बारे में। देखिए, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, तो इससे मालूम पड़ता है कि ओसीडी का क्या, ज़िंदगी में हर चीज़ का इलाज है, बस आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ठीक होने की चाहत होनी चाहिए, और आसपास के लोगों को विश्वास होना चाहिए कि आप ठीक हो जाए। ओसीडी जो है वो एक बहुत विचित्र प्रकार की बीमारी है, मतलब जैसे नॉर्मल एंजाइटी होता है या डिप्रेशन होता है या कुछ और होता है, उससे बहुत ज़्यादा सीवियर है। मैं तो कहती हूँ 10 या 20 गुना सीवियर है, क्योंकि ओसीडी में पर्सन का कंट्रोल नहीं रहता थॉट्स पे। और बेसिकली जो मुझे ओसीडी के बारे में समझ में आया कि आपका दिमाग किसी चीज़ से परेशान होता है, इसलिए आपका सूडो माइंड एक पैरेलल थिंकिंग डेवलप कर लेता है कि अगर हम ये चीज़ करेंगे तो उस प्रॉब्लम से हल मिल जाएगा। तो उस केस में जो ओसीडी पेशेंट का सूडो माइंड होता है वो ये करता है कि वो किसी एक ही चीज़ को बार बार करता रहता है। जैसे अभी समस्या है कि मुझे पानी की प्यास लगी है या मुझे कुछ और खाने की इच्छा है पर वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो आपकी एंजाइटी ट्रिगर हो जाती है। तो
तो आपका दिमाग आपको दूसरी तरफ ले जाता है कि ये दरवाज़ा ठीक से बंद है कि नहीं, और आप उसको 10 बार खोलते बंद करते रहते हैं, तो आपका ध्यान दिमाग को ऐसा लगता है, सूडो दिमाग को ऐसा लगता है, नकली दिमाग को ऐसा लगता है कि मैंने वास्तविक प्रॉब्लम जो प्यास का प्रॉब्लम है उसको मैंने हल कर दिया, पर ऐसा है नहीं। ये एक बहुत क्या कहा जाए कि बहुत विचित्र स्थिति होती है, और उससे उभरने के लिए मैं ये चीज़ बार बार कहती हूँ कि जैसे हम सर दर्द होने पर दवाई लेने से नहीं झिझकते, जैसे हम बीपी होने पर दवाई लेने से नहीं झिझकते, तो हम अपने माइंड के लिए इतने इग्नोरेंट क्यों हैं? वो भी आपके शरीर का एक हिस्सा है। अगर जब आपके घुटने में दर्द है तो आप मानते हैं कि उसमें कुछ खराबी है, कुछ प्रॉब्लम है, या कोई रीज़न हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, नमक हो सकता है, आपकी खाने पीने की आदत हो सकती है। उसी तरह ओसीडी या डिप्रेशन या एंजाइटी ट्रिगर होने के भी बहुत से रीजंस होते हैं। एक होता है केमिकल रीज़न, दूसरा होता है कोई कंडीशन हुई है, कोई इवेंट हुआ है जिसके कारण वो ट्रिगर हो गया है। तो हम क्यों नहीं उस चीज़ को ठीक करने के लिए उसका इलाज करते हैं? जिसका इलाज दो तरीके से होता है कि एक तो जो केमिकल आपके दिमाग में बढ़ गया है किसी सिचुएशन के कारण या आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण कम या ज़्यादा हो गया है, जब डॉक्टर कहते हैं कि आप दूसरा केमिकल लीजिए ताकि वो बैलेंस हो जाए, तो आप वो मेडिसिन लेने से आपसे भी ज़्यादा, पेशेंट से भी ज़्यादा घर वाले घबराते हैं कि ये पागल तो नहीं है, हम इसको एक बार दवाई चालू करेंगे तो ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी। मैं कहती हूँ अगर ज़िंदगी भर लेनी पड़ी तो क्या हो गया? क्या आप बीपी की दवाई, कितने जने हैं 100 में से जो कहेंगे कि हमने बीपी की दवाई 2 साल लेके छोड़ दी? एक बार आपको बीपी हो गया तो ज़िंदगी भर रहता है। तो उसी तरह से ये मानसिक विकार है, जैसे शारीरिक विकार होते हैं वैसे मानसिक विकार होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ को समाज और सभी जने बहुत सेंसिटिवली देखें, उन लोगों के लिए जो सफ़र कर रहे हैं उनकी तरफ संवेदना से देखें, उनके समस्या को समझे। और जैसे मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक ठाक बैठी हूँ, अगर आपका सहयोग रहेगा, अगर आप उसको समझ पाएंगे और उस पर्सन में जिसको ये प्रॉब्लम है वो खुद भी खुल के अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से इसके बारे में बात करे, साइकेट्रिस्ट से मिले, काउंसलर से मिले, तो इस समस्या का हल कोई मतलब ज़्यादा नहीं लंबा, पर 6 महीना 1 साल कुछ। मैं बीपी में तो ये होता है कि आप एक बार मेडिसिन शुरू करते हैं तो साल तक, हाँ, जबकि इसमें तो ऐसा है कि आप एक बार लीजिए, जब आपका केमिकल बैलेंस हो जाता है जो मेरे साथ हुआ है, तो वो धीरे धीरे डॉक्टर्स उसको खुद टेपर कर देते हैं। कितना वक्त लगा आपको ओसीडी से बाहर आने में? 6 साल। इट वॉज वेरी लॉन्ग टाइम, इट वॉज वेरी ट्रॉमेटिक, एंड आई डिडंट हैव ए सपोर्ट सिस्टम बिकॉज आई लिव अलोन एंड आई कुड नॉट टेल माई मदर अबाउट इट बिकॉज ऑब्वियसली शी हैज़ गॉन थ्रू मेनी थिंग्स इन लाइफ। बट लकीली फॉर्चुनेटली आई ऑलवेज बिलीव दैट आई कैन बी क्योर्ड, आई ऑलवेज बिलीव्ड, एंड हैंस आई मेड श्योर कि जो भी मेरे काउंसलर थे, आई यूज़ टू बी वेरी रेगुलर, आई यूज़ टू मेक श्योर कि मैं अपनी दवाइयाँ टाइम पर लूँ। और देखिए आपके सामने भली चंगी बैठी हूँ। सही बात है। देखिए मैंने कहा ना, जुझारू क्रिकेटर, जुझारू महिला, जुझारू इंसान अपने अधिकारों के लिए भी लड़ना जानती है, अपने खेल पर भी पूरी कमांड रखती है, और अपने साथ जो कुछ घटित हुआ उसके बारे में कहने से भी नहीं झिझकती, और साथ ही ओसीडी जैसी समस्या से भी सिर्फ और सिर्फ खुद की जिजीविषा या खुद की लगन से, खुद की सोच से बाहर आई है। और किताब जो लिखी है वो वाकई काबिले तारीफ़ है। मैंने शुरुआत में ही कहा कि जब एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो पढ़ते जाएंगे। बातें बहुत सारी है, अगर मैं सब यहाँ कर लूँगा तो आप किताब कैसे पढ़ेंगे? बिल्कुल ठीक। तो इस बात को, इस चर्चा को हम इस शो को यहीं विराम देते हैं। मिनोती जी, आप हमारे स्टूडियो में हमसे बातचीत की, खूब अच्छी किताब लिखी है आपने जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने पढ़ी जी, क्योंकि आपका ओपिनियन बहुत मैटर करता है। नहीं नहीं, और आपने लिखी इतनी अच्छी कि मुझे पढ़नी ही थी। थैंक यू। और जब मुझे उम्मीद है कि अगली बार फिर एक किताब आपकी आएगी और वैसी ही होगी जो लोगों की समस्याओं को, खिलाड़ी की समस्याओं को उजागर करती जाएगी। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।